हेलो फ्रेंड्स, आई एम तान्या। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ बेसन का चिल्ला। 2 स्पून हम बेसन लेंगे और ये आप अपने हिसाब से क्वांटिटी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे, ये एक्चुअली ये फास्ट के लिए मैं बना रही हूँ, जो आप थर्सडे के फास्ट में खा सकते हैं विदाउट नमक, क्योंकि थर्सडे के फास्ट में नमक नहीं खाया जाता। इसमें हम पहले हरा धनिया डालेंगे, उसके बाद फाइन चॉप किया हुआ टमाटर एंड फिर ग्रीन चिलीज, ग्रीन चिलीज डाल के हम इनको इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें पानी हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, ताकि जो हमारा बैटर है वो ज़्यादा गीला ना हो या फिर ज़्यादा टाइट ना हो। और इसमें क्रश किए हुए पटैटोस भी आप डाल सकते हैं, जैसे मैंने सिर्फ 1 पटैटो क्रश करके इसमें डाला है। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड आधा लेमन हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चिल्ला मैं थर्सडे के फास्ट के लिए बना रही हूँ, इसीलिए इसमें मैंने सॉल्ट ऐड नहीं किया है। सिर्फ इसमें सीजनिंग में हम सिर्फ ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और कुछ भी इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि फास्ट में कोई और चीज़ें खाना अलाउड नहीं होता है। ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए 10 या 15 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ देंगे। फिर उसके बाद एक हॉट पैन में हम इसको तवे पे अच्छे से तेल लगा लेंगे। ऑयल आप अपने हिसाब से बटर, घी या ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आप फास्ट में खाते हैं। उसको पूरे तवे पे अच्छे से लगा के और फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा लेके बिल्कुल लाइटली हैंड से स्प्रेड करेंगे। चिल्ले को स्प्रेड करते टाइम ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, नहीं तो वो चिपक जाएगा। इसको एक क्वांटिटी में ही हम स्प्रेड करेंगे, कहीं मोटा या पतला नहीं करेंगे, अच्छे से स्प्रेड करेंगे। देखिए मेरे हाथ में, एक हाथ में फ़ोन है, इसीलिए मेरा अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पा रहा। बट आप एक हाथ से तवे को पकड़ के दूसरे हाथ से अगर घुमाएंगे तो बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। और इसमें थोड़ा सा ऑयल या घी, बटर जो आप यूज़ करना चाहें डाल के इसको एकदम लो फ्लेम पे हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, तब ये अपने आप ही तवे को छोड़ देता है। अदरवाइज़ आप अगर इसको फोर्सफुली इसमें से निकालने के लिए कोशिश करेंगे तो आपका चिल्ला फट भी सकता है। थर्सडे के फास्ट में कोई एक अन्न खाया जाता है, जैसे मैं सिर्फ बेसन खाती हूँ, तो बेसन जो लोग खाते हैं उनके लिए ये चिल्ला बेस्ट है। विदाउट नमक भी इसमें ग्रीन चिलीज और नींबू से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप अगर बिना नमक के भी इसको खाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। अदरवाइज़ अगर आप इसको नॉर्मल किसी डिश में बना रहे हैं तो इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे प्याज ऐड कर सकते हैं, थोड़ा क्रश करके लहसुन या फिर अदरक कुछ भी ऐड कर सकते हैं, नमक डाल सकते हैं, थोड़े गर्म मसाले, हल्दी कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। बट अगर आप फास्ट के लिए बना रहे हैं तो इसमें सिर्फ यही चीज़ें जाएंगी जो मैंने आपको बताई हैं। देखिए एकदम लो फ्लेम में इसको पकाते हुए हम अगर रखेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी सा होगा, जो चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। दिस इज़ माई चैनल तानी जान। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोस एंड लाइक शेयर करना ना भूलें। सी हमारा चिल्ला रेडी है, बहुत ही क्रिस्पी सा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है इसका। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि कैसा लगा आपको। सेम ऐसे ही हम बाकी सारे चिल्लेस को भी बना लेंगे। थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। टिल बाय, सी यू।